ये मोह बड़ा खतरनाक है। कई कितने लोगों ने जीवन को व्यर्थ बना दिया ये मोह के पीछे भागते भागते। आपके पास सारी चीजें हो, अरिहंत परमात्मा हो, पंच महाव्रतधारी गुरुदेव हो, अद्भुत जिन शासन हो, अद्भुत धर्म हो, लेकिन इतना कुछ मिलने के बावजूद भी एक यदि मोह को आप हरा नहीं पाए, एक यदि मोह को आप हटा नहीं पाए, एक यदि मोह को आप कम नहीं कर पाए, तो ये सारी चीजें मिली हुई आपके लिए निरर्थक हो जाएगी, सारा व्यर्थ हो जाएगा। और यही तो होता है बार बार, क्या होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि और कोई मंदिर चले जाए, हम ये सोचते हैं कि प्रभु अगला भाव अच्छा मिल जाए। अरे ये तो मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन मावी देह में भी अगला भाव मिल गया है ना, फिर भी यदि मोह को नहीं हरा पाया, मोह को नहीं हटा पाया, मोह को नहीं कम कर पाया, तो मावी देह भी तेरे लिए निरर्थक है। ये तो भरत है, ये तो भरत क्षेत्र है, यहां भी जीवन परमात्मा मौजूद नहीं है, लेकिन सिमंदर परमात्मा भी मिल जाए, उनकी देशना भी मिल जाए, उनके दर्शन भी मिल जाए, उनकी भक्ति भी मिल जाए, लेकिन इतना कुछ मिलने के बावजूद भी यदि आप मोह को हरा नहीं पाए, तो सारा मिला हुआ आपके लिए व्यर्थ है, निरर्थक है। बराबर समझना, मोह को हराने के लिए दो सूत्र बताए। कहा जब भी भीतर से मोह उठे, जब भी मोह की भावना उठे, तब ये दो सूत्र हमेशा याद करते रहो, रटन करते रहो, स्मरण करते रहो। पहला सूत्र बताया मेरा क्या, और दूसरा सूत्र बताया मुझे क्या। कहा मेरा क्या, अपने त्या सरस मजानी सज्जायनी पंक्ति लखी छे, गजसु कुमार नीचे सज्जाय छे ने, एनी अंदर सरस मजानी पंक्ति लखी छे, मारू काई बढ़तू नथी बड़े बीजानु रे एह, पाड़ोशीनी आगमा आपड़ो अड़गो नेह। अद्भुत बात लिखी हमारे यहां सज्जाय के भीतर, कहा मेरा कुछ नहीं जल रहा है, ये दूसरों का जल रहा है, और जब दूसरों का जल रहा हो तो मैं क्यों परेशान हो। शरीर को भी दूसरा बनाना जिस दिन आपको आ गया, उस दिन आपने मोह को जीत लिया, समझना। अन्य को दूसरा बनाने की बात नहीं है, जो शरीर से आप जीवन जी रहे हो, जो शरीर से आप आपकी जिंदगानी चल रही है, जो शरीर आपका आधार है, जो शरीर के बिना जीना मुश्किल हो जाए, वो शरीर भी यदि आपको दूसरा लगने लगे ना, तब समझना कि नहीं मोह के ऊपर कुछ काम हो रहा है। हमको तो पराई चीज भी पराई नहीं लगती, तो अपनी कहां से पराई लगेगी। एक चीज समझना, जितना मेरा 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 बढ़ता जाएगा, उतना मोह बढ़ता जाएगा, और जितना मेरा 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 कम होता जाएगा, उतना मोह घटता जाएगा। आप खाली बैठकर एक बार सोचिए, आप 24 घंटे में मेरा मेरा शब्द कितनी बार बोलते हो, एक बार खाली नोट करिए। आज सुबह का सूर्योदय से कल सुबह के सूर्योदय तक 24 घंटे में आपने मेरा शब्द ये कितनी बार इस्तेमाल किया, ये आप जरा नोट करना, समझना, चिंतन करना उसके ऊपर, तब आपको पता चलेगा कि आपका मोह कितना गहरा है। हर चीज को हम मेरा बनाने में लगे हुए, यह भी मेरा, यह भी मेरा, यह भी मेरा, यह भी मेरा। अरे शास्त्रकार भगवान कहते हैं, क्या क्या मूर्खता कर रहा है, जो पराया है उसको यदि मेरा बनाएगा तो मेरा है वो कब छूटेगा, जो अन्य है उसको यदि तूने तेरा बना लिया तो जो तेरा शरीर है, जो तेरा है, वो तेरे से कब छूटेगा, कैसे छूटेगा। वो ताकत गजसु कुमार जैसी तेरे भीतर कब आएगी, वो ताकत मेतारज मुनि जैसी तेरे भीतर कब पैदा होगी। क्या मेरा मेरा लगा रहा है, क्या जीवन में तूने लगा रखा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, यही करते रहता है रात दिन। छोटा सा चिंतन आपको जगा सकता है, 24 घंटे में आप कितनी बार मेरा शब्द बोलते हैं। करना पड़ेगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। 24 घंटे में आप कितनी बार इस्तेमाल करते हैं यह शब्द को, जरा समझना, जरा चिंतन करना, जरा विचार करना कि मेरा शब्द जितना, एक चीज बराबर कान खोल के सुन लो, जितना मेरा शब्द का इस्तेमाल आपके जीवन में बढ़ता जाएगा, उतना मोह बढ़ता जाएगा।
और जितना तुम्हारा यह शब्द का इस्तेमाल आपके जीवन में बढ़ता जाएगा इतना मोह घटता जाएगा। हम फैलाने में लगे हुए हैं, हर चीज को फैलाने में लगे हुए। और दूसरा सूत्र बताया, मुझे क्या, मेरा क्या, मुझे क्या। कोई क्रिया आपके सामने घटित हो जो आपको पसंद ना हो तो एक सूत्र हमारे सामने आना चाहिए, मुझे क्या। ठीक है, सामने वाला, उसका जीवन, उसकी जीवनी, उसको जो कर रहा है करे, मुझे क्या। एक चीज बार बार मैं कहता हूं, सुन लेना, समझ लेना, और ये 4 महीने के भीतर दिमाग में बिठा लेना कि संसार में आप आपके अलावा और किसी को सुधार नहीं सकते। बराबर समझ लेना, आपके पास इतनी ही शक्ति है कि आपको सुधार पाओ। बस हम दुनिया को सुधारने चले, घर को सुधारने चले, समाज को सुधारने चले, परिवार को सुधारने चले, संघ को सुधारने चले। अरे शास्त्रकार भगवान कहते कि कान खोलकर सुन लेना, तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तू दुनिया सुधार सके, तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तू संघ को सुधार सके, तेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तू समाज को सुधार सके, तेरे पास एकमात्र इतनी ताकत है कि तू खुद को सुधार सके। और आगे जाकर शास्त्रकार भगवान तो ने तो यहां तक कह दिया कि दुनिया को सुधार के तुझे क्या मिलेगा, संघ को सुधार के तुझे क्या मिलेगा, समाज को सुधार के तुझे क्या मिलेगा। जब तक तू भीतर से नहीं सुधरा तब तक तेरा कोई फायदा, तेरी शक्ति तेरे लिए निरर्थक है। जब भी मोह उठे, जब भी मोह तीव्र बने, जब भी वासना भीतर जागे, जब भी मोह के परिणाम गहरे होने लगे तो ये 2 सूत्र आंखों के सामने रखिए। नंबर वन, अब यही बोलने में दिक्कत है तो घर जाके तो आप क्या याद करोगे। नंबर 1 मेरा क्या, और नंबर 2 मुझे क्या। ये 2 सूत्र आपको बचा सकते हैं। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।